नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन और मेरे चैनल से गुजरने के लिए आपका धन्यवाद। और आज इस वीडियो में एक शर्ट को इस्त्री करने के सही स्टेप्स जो है वो क्या है वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस्त्री करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा वाला सा इस्त्री। अब इस इस्त्री पे बहुत सेटिंग्स रहेंगे, तो आपको जानना है आपका शर्ट जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका शर्ट नायलॉन मटेरियल का है तो नायलॉन पे डालिए, सिल्क मटेरियल का है तो सिल्क पे डालिए, और कॉटन मटेरियल का है तो कॉटन पे डालिए। और जो लिनन मोड रहता है उस पर अगर आप डालोगे तो आपका इस्त्री बहुत ही गर्म हो जाएगा। ये लिनन मोड जो है वो चादरों के ऊपर इस्त्री करने के लिए है। चादर आप जानते हैं कितना डार्ट होता है वो, इसी वजह से इसको बहुत ही गर्म इस्त्री चाहिए। अगर आप लिनन मोड पे डाल के शर्ट को इस्त्री करोगे तो आपकी शर्ट जलने की संभावना है। और इसके अलावा आपको चाहिए एक डिसेंट सा आयनिंग बोर्ड। तो पहले आपके इस्त्री को लिनन मोड पे डालें और आपके आयरन बोर्ड के ऊपर जो भी चादर आपने डाला हुआ है उसको पहले इस्त्री करके अच्छा फ्लैट बनाइए। तो शर्ट को इस्त्री करने के लिए पहले आपको आपका कॉलर जो है उसको पहले इस्त्री करना है। तो स्टेप नंबर वन, कॉलर को इस्त्री कीजिए। तो कॉलर को इस्त्री करने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर थोड़ा पानी मारें। अभी इस्त्री को वो ऑप्शन है, इसमें पानी जाता है अंदर और स्प्रे कर सकते हो आप पानी। अगर आपके पास ऐसा इस्त्री नहीं है तो आप एक बॉटल स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलर पर थोड़ा पानी मारने के बाद इस्त्री करने से कॉलर अच्छा घट हो जाता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है फिर। तो कॉलर को इस्त्री करने के बाद कॉलर का नीचे का जो पार्ट जो है उसको आपको ऐसे पकड़ना है, और बाद में आपका पूरा शर्ट जो है वो ऐसे प्लेस करना है आपके आयरन बोर्ड के ऊपर। और इधर आप देख सकते हैं कॉलर कैसे अभी खड़ा हुआ है वो अच्छा घट होके। तो स्टेप नंबर टू, शर्ट के पीछे कॉलर के नीचे वाले भाग जिसको योक बोलते हैं उसको अभी ऐसे आपको इस्त्री करना है। थोड़ा पानी स्प्रे कीजिए और इस्त्री कीजिए। तो इस भाग को इस्त्री करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे स्लीव्स जो है उसको इस्त्री करने के लिए। तो स्लीव्स को ऐसे आयरन बोर्ड पे रखिए। तो इधर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, इस स्लीव को कभी कभी ऐसे प्लीट्स रहते हैं। इधर आप देख सकते हैं इस शर्ट को कैसे प्लीट है वो, इधर आप देख सकते हैं। तो प्लीट को मैं पकड़ूँगा ऐसे और शोल्डर के पार्ट को पकड़ूँगा और ऐसे रखूँगा आयरन बोर्ड के ऊपर, और जो नीचे की साइड है उधर स्ट्रेट लाइन में स्टिच रहेगी। तो एक क्रीज जो आप डालते हो वो बहुत ही कड़क क्रीज होनी चाहिए। इधर इस्त्री करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होनी चाहिए वो। तो स्प्रे कीजिए और इस्त्री कीजिए। और स्लीव का कफ्स का पार्ट जो रहता है उसको ऐसे आपको खोलना है, उसको खोल के ऐसे आयरन बोर्ड पर रखिए और उसके ऊपर भी स्प्रे कीजिए पानी और बाद में इस्त्री कीजिए। इससे आपका वो अच्छा राउंड जैसे हो जाएगा इस्त्री करने के बाद। ऐसे आपको अभी दोनों स्लीव्स को इस्त्री करना है। तो इधर आप देख सकते हैं कैसे राउंड जैसे हो गया है वो। अभी स्लीव को घुमाइए और दूसरे साइड में भी स्प्रे मार के इस्त्री कीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं क्रीज कितनी कड़क है वो। ऐसे क्रीज आपको प्राप्त करनी है, इससे आपका शर्ट का लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी आपका आयरन बोर्ड जो है इसका जो ऐसे शेप है वो शेप इसलिए दिया हुआ है ताकि आप ऐसे शर्ट या कुछ भी इसको ऐसे लगा सके। तो अच्छा आपका शर्ट ऐसे एडजस्ट कीजिए एक साइड में, और अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आपकी पानी की स्प्रे मारिए और इस्त्री कीजिए। अभी बटन्स के बीच में ऐसे अच्छी तरह से इस्त्री कीजिए, वो पार्ट मत छोड़िएगा। और इस पार्ट पे इस्त्री करने के बाद आपका शर्ट फिर से एडजस्ट कीजिए और जिधर आपका इस्त्री नहीं लगा है उधर अच्छी तरह से इस्त्री कीजिए। अभी इस साइड में इस्त्री करके होने के बाद आपका शर्ट जो है वो दूसरे साइड में अभी लगाइए, और ये साइड बटन के ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखने वाला हिस्सा है, तो इसको आपको अच्छी तरह से इस्त्री करके कड़क बनाना है। तो स्प्रे मारिए और इस्त्री करने को चालू कीजिए। अभी शर्ट के इस भाग को इस्त्री करने के बाद रह जाता है हमारा सिर्फ एक ही भाग, जो है शर्ट का पीछे का हिस्सा, जो सबसे बड़ा भाग रहता है वो। अभी इसको मैं हमेशा अंदर से इस्त्री करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको इस्त्री करते समय मेरे दूसरे भागों को क्रीजें पड़ जाएं। इसी वजह से इसको मैं आयरन बोर्ड पे ऐसे अंदर के साइड में ऐसे प्लेस करता हूँ अच्छी तरह से, और बाद में अंदर की तरफ ऐसे स्प्रे करके इस्त्री करता हूँ। तो इधर और एक ज़रूरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितना आपका इस्त्री जो है उसका वज़न ज़्यादा है उतने अच्छे से और जल्दी से वो आपके क्रीजें सब निकाल देगा, और अगर आपके क्रीजें नहीं जा रहे तो उसको गीला करने को याद रखेगा। तो आपका शर्ट एडजस्ट करके बाकी के सब जगहों पे अच्छी तरह से इस्त्री कीजिए, और इस भाग को इस्त्री करने के बाद आपका हो जाता है इस्त्री करके ख़त्म। ओके दोस्तों, तो इधर मेरा इस्त्री करके हो गया है। अब मैं शर्ट को पहनूंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे दिखता है वो।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपने सीखा है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं पैंट को इस्त्री कैसे करते हैं वो दिखाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। टिल देन, बाय, टेक केयर।